राजनांदगांव जिले में पीडीएस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद भी गंडई नगर पंचायत में 6 मृत परिवारों के नाम से राशन निकालने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में जांच के बाद नगर पंचायत में राशन कार्ड प्रभारी का कार्य देख रहे चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी शत्रुघ्न दास मारकंडे को पद से हटा दिया गया है, जिसके जगह पर राजस्व प्रभारी वरिष्ठ कर्मचारी पटेल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। पीडीएस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन जोन के बाद भी गंडई नगर पंचायत में 6 मृत परिवारों के नाम से राशन निकालने का बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में जांच के बाद नगर पंचायत में राशन कार्ड प्रभारी का कार्य देख रहे चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी शत्रुघ्न दास मारकंडे को पद से हटा दिया गया है, जिनकी जगह राजस्व प्रभारी के वरिष्ठ कर्मचारी पटेल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस तरह मृत लोगों के नाम से राशन जारी होने का खुलासा होने से प्रशासन के हाथ पांव खुल गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि उचित मूल्य की दुकान संचालक व राशन कार्ड प्रभारी मिली भगत कर गरीबों के हक के राशन को निकाल कर निजी दुकानों में खपाते थे। आपको बता दें कि राशन कार्डों में चल रहे फर्जीवाड़े की शिकायत कलेक्टर को भी किया गया था। इस मामले को लेकर नगरवासी कलेक्टर के पास पहुंचे, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। आज हम जिलाधीश महोदय के पास में आए थे। गंडई की समस्या थी, क्रमांक 1 और 2 राशन जहां से आवंटन होता है वहां पर मृत व्यक्तियों के नाम से जो है आहरण किया जा रहा है, उनके परिवार के सदस्यों को नहीं मिल पा रहा है। इस विषय में हम जिलाधीश महोदय को उनके संज्ञान में लाए हैं और आपके द्वारा जो है गंडई नगर पंचायत के प्रभारी कार्ड के प्रभारी हैं मारकंडे शत्रुघ्न मारकंडे, उसके नाम से जांच कराने के लिए आदेश दिए हैं और दोनों राशन कार्ड का जो दुकान है वहां पर जांच के लिए कलेक्टर महोदय ने सूचित किया है गंडई नगर पंचायत के सीएमओ को। 36 महीने का एक बड़ा मामला है और 2014 के बाद जो रिस्टोर हुए थे राशन कार्ड उसमें बड़ी धांधली है, उसकी जांच के लिए भी सीएमओ को अवगत कराया गया है और उसकी जांच अभी शुरू होना चालू हो गया। हम हाँ, राशन कार्ड में कुछ अनियमित नगर पंचायत में हुई है, जो प्रभारी है उसको हटाया जा रहा है और बाकी जांच जो चलेगी उसके बाद कार्रवाई होगी। सर, मृत व्यक्तियों के नाम पे इस तरीके नहीं, वो जांच होने के बाद ही उसमें कार्रवाई होगी, और लेकिन जो प्रभारी है उसको हटाया जा रहा है। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 24।